दोस्तों जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है माबली शेरा और लाल घाटी का आतंक। ये माबली शेरा की कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। माबली शेरा और लाल घाटी का आतंक। गर्मियों के दिन थे और दोपहर का समय। आह कैसा सुंदर दृश्य है। बुजुर्ग आदिवासी कहते हैं नदी के उस पार के इलाके में भूत प्रेत और चुड़ैल रहती हैं। जो भी एक बार उस इलाके में गया वापस नहीं लौटा। पर्वत के उस पार का इलाका सदैव से ही शेरा के लिए आकर्षण का केंद्र रहा था। वैसे वह उधर एक बार भी नहीं गया था। अगले पल। आज मैं उधर जरूर जाऊंगा और वापस लौटकर उनके मन में समाये अंधविश्वास को दूर कर दूंगा। अभी वह नदी की धारा के बीच ही पहुंच पाया था कि ई तूफान जरा ठहरो हिन ई शायद कोई स्त्री मुसीबत में, मुझे इस ओर चलकर उसकी मदद करनी चाहिए। उधर कुछ दूरी पर सड़क सड़क बेवकूफ औरत, जल्दी से बता स्त्रिया की बलि को तूने कहाँ छुपाया है। नहीं मत मारो मुझे, ईश्वर के लिए मत मारो। आह बेवकूफ औरत, अगर मार से बचना चाहती है तो जल्दी से बच्चे के बारे में बता दे। हरगिज नहीं, वह बच्चा किसी की अमानत है। ये ईश्वरीय दुष्ट दुष्ट तो उसे मारी डालेंगे, पर मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। ठहरो, तुम लोग एक निर्बल स्त्री पर ऐसा अत्याचार नहीं कर सकते। कौन हो तुम? मान स्त्रिया के पुजारियों को रोकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शायद तुमने सुना हो मुझे माबली शेरा कहते हैं। धड़ाक। अरे लेकिन अगले पल। एकांगो, इसने टोटो पर हमला किया, मार डालो इसे, टुकड़े टुकड़े कर दो इसके। हाँ, मारो इसे, आओ आगे बढ़ो, देखो तुम लोगों में कितनी शक्ति है। आह ठाक धड़ाक। नहीं, कुछ ही देर में धिक्कार है तुम पर, मर्द से पाला पड़ते लंबे हो गए। लेकिन अगले पल शेरा चौका, वो वह स्त्री कहाँ जा रही है? उधर घायल स्त्री ने झाड़ियों में छिपाया कंबल में लिपटा एक बच्चा उठाया। रो मत मेरे लाल, मैं आ गई, मैं आ गई। वो तो यह है वह बच्चा, पुछ पुछ। और जैसे शेरा उसे करीब पहुंचा, नहीं मैं इसे तुम्हें हरगिज नहीं दूंगी, घबराओ मत, मैं तो तुम्हारी चीख सुनकर तुम्हारी सहायता करने आया था। कौन थे वे दुष्ट? उन पहाड़ियों में रहने वाली डाइन स्त्रिया के पुजारी, वे उस डाइन को इसकी बलि चढ़ाना चाहते हैं। तुम बहुत घायल हो, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा पानी लेकर आता हूँ। नहीं ईश्वर के लिए तुम कहीं मत जाओ, वे लोग फिर आ जाएंगे और मुझसे बच्चा छीन ले जाएंगे। आह जालिमे ने इतना मारा कि मेरा बचना लगभग मुश्किल है। तुम एक दयावान आदमी प्रतीत होते हो, क्या मुझ पर एक मेहरबानी करो करके एक काम करोगे? हाँ हाँ जरूर, इस बच्चे को किसी तरह इसके माता पिता के पास पहुंचा दो। आह यह बच्चा पर्वतगढ़ राज्य का युवराज है और वहां के राजा भंवर अतर सेन की एकमात्र संतान है। मैं और मेरा बड़ा भाई एडविन इसके पालक थे। एडविन को उन्हीं जालिमों ने मार डाला है, मैं किसी तरह बचकर भाग निकली थी लेकिन उन्होंने मुझे पकड़ लिया। आह एक आग स्त्री को बहुत तीव्र वेदना हुई और जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। आह एडविन मेरे भाई, मुझे अफसोस है, हम अपना वादा पूरा न कर सके, मैं भी तुम्हारे पास आ रही हूँ। हिच। शेरा ने उसकी दिल की धड़कन की जांच की। ओह ये तो मर गई इस बच्चे को छोड़कर, अब क्या करूं? अगले पल। बहुत प्यारा बच्चा, मैं इसे अकेला मरने के लिए नहीं छोड़ूंगा। मरने वाली स्त्री ने मुझ पर भरोसा करके इसे सौंपा है, मैं इसे इसके माता पिता के पास अवश्य पहुंचाऊंगा, पर पर्वतगढ़ राज्य किधर है ये तो मुझे पता ही नहीं। खैर और आगे चलता हूँ, शायद इस इलाके में रहने वाला कोई व्यक्ति मुझे पर्वतगढ़ जाने का मार्ग बता सके। एक तंग से घुमावदार पहाड़ी मार्ग से गुजरकर जैसे वह रोशनी मैदानी इलाके में दाखिल हुआ। अरे इतने सारे गिद्ध, जरूर आसपास इनका कोई शिकार है। कौन है इनका शिकार? कुछ और दूर जाने पर ओ उन वृक्षों पर उतर रहे हैं। फिर जैसे वह वृक्षों के घने झुरमुट के पास पहुंचा, हे ईश्वर यह कौन है? फिर शेरा ने उसके बंधन काटे
और जमीन पर लिटा कर उसी नाड़ी की जांच की। शुक्र अभी जीवित है, थोड़ा पानी लाकर इसे मुंह में डालूं। तभी ओह बच्चा नागुची, खो खो, जरा आराम से दोस्त, कौन हो तुम? तुम्हारी हालत किसने की? मेरा नाम एडविन है। वे लोग मेरी बहन नागुची और बच्चे को स्त्रिया की भेंट चढ़ाने के लिए ले गए। घबराओ मत, मेरा नाम शेरा, मैंने बच्चे को बचा लिया है। वह रहा बच्चा और मेरी बहन नागुची, मुझे अफसोस है कि मैं उसे बचा नहीं सका। तो जालिमों ने इसे मार डाला। खैर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, इस बच्चे को बचाकर तुमने मुझ पर बहुत एहसान किया है। मेरा नाम शेरा है, मुझे सारी बात विस्तार से बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। जरूर बताऊंगा, लेकिन पहले जल्दी से यहाँ से निकल चलो, वे लोग यहाँ दोबारा आ सकते हैं। ठीक है, तत्पश्चात। और फिर मार्ग में एडविन ने शेरा को बताया, राजा परवर सेन वरुण देवता के उपासक है, वो डायन स्त्री काली शक्तियों की मल्लिका। स्त्री अपनी उन काली शक्तियों के बल पर राजा परवर सेन को मजबूर करना चाहती है कि वह वरुण देव की पूजा छोड़कर उसकी पूजा करना शुरू कर दे। इसलिए स्त्रियां एक एक करके उनके सात बेटों को ही बलि ले चुकी है और यह बच्चा उनकी आठवीं संतान है। क्या राजा इतना दुर्बल है कि वह अपनी संतान की रक्षा भी नहीं कर पाता? तुम्हें असली स्थिति का पता नहीं है दोस्त, इसलिए ऐसा कह रहे हो। सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ, स्त्रिया के अनेक पुजारी हैं, लेकिन छुपे रूप से शायद राज दरबार में भी हो। उन्हीं की मदद से राजा के पहले सभी बच्चे स्त्रिया की भेंट चढ़ा दिए गए। जब राजा के पहला पुत्र पैदा हुआ, दीवान जी आज मैं बहुत खुश हूँ, कोषागर के दरवाजे खोल दिए जाए, राज्य भर में जो आज कोई भी भूखा न सोए। केवल राजा इस बात से बेखबर था कि महल में ही उसकी खुशियां लूटने की योजनाएं बनाई जा रही थी। लोरन, कल रात आधी रात के समय चोर दरवाजे पर, समझ गया लारा, मैं समय पर पहुंचाऊंगा। और दूसरी रात, वह किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें इसे लाते हुए? नहीं, पर अब बातों में वक्त बर्बाद मत करो। फिर दोनों बड़ी सतर्कता पूर्वक एक कक्ष में पहुंचे। सर खट। अगले दिन सेनापति जबरदस्त पहरा होते हुए भी महल से मेरे पुत्र की चोरी कैसे होगी? अंधाता महल की दासी लारा और उसका प्रेमी लोरन राजकुमार को चुरा कर ले गए, दोनों को शीघ्र ही पकड़ लिया जाएगा। लेकिन जब दोनों चोर नहीं पकड़े जा सके तो राजा ने ज्योतिषियों व मजूमियों को बुलवाया। तुम सब भविष्य वक्ता हो, अपने अपने फन में माहिर, बताओ मेरा पुत्र मुझे कब वापिस मिलेगा? समा चाहता हूँ महाराज, मेरे ज्योतिष ज्ञान के अनुसार राजकुमार अभी इस दुनिया में नहीं है। मेरा नजूम भी यही बताता है कि राजकुमार को किसी देवता की भेंट चढ़ा दिया गया है। वो कहीं मेरे बेटे को डायन स्त्री की भेंट तो नहीं चढ़ा दिया गया? और अंततः यह बात सिद्ध हो गई कि लारा और लोरन स्त्रिया के अनुयायी थे। स्त्रिया अनेक काली शक्तियों की सौमनी है और उसके पुजारी धूर्त और शैतान, वे मेरी आगामी संतान को भी स्त्रिया की भेंट चढ़ाना चाहेंगे, इसलिए मुझे अभी से अपनी संतान की सुरक्षा का उपाय करना होगा। और राजा ने पहाड़ों पर एक ऊंची गड्डी बनवाकर रानी के दूसरे प्रसव के समय उसे सैनिकों के कड़े पहरे में रखी। गड्डी में रखा, लेकिन पुत्र पैदा होने के तीसरे दिन दोपहर में उफिये तो काली आंधी है, जल्दी किसी सुरक्षित जगह पहुंचो। ये भगवान इतना तेज बाउंडर शू, हाँ जल्दी करो, जल्दी करो, उड़ गए तो किसी चट्टान से टकराकर हड्डी पसली चूर चूर हो जाएगी। तभी जूं जूं, हे ईश्वर, अब ये कौन सी बला आ गई? ओ बाज मानव, जरूर स्त्रिया के पुजारी होंगे, मुकाबला करो। लेकिन बाज मानव सैनिकों से ज्यादा फुर्तीले सिद्ध हुए। फिर वही हाल राजा के बाकी पुत्रों का भी हुआ। राजा को की हर योजना को स्त्रिया के पुजारी विफल करके उसके पुत्र को बलि अपनी देवी को चढ़ाते रहे, छपाक। और फिर उन्होंने तुम्हें और तुम्हारी बहन को यह बच्चा सौंप दिया ताकि किसी को न मालूम न हो
किसी को ना मालूम जगह पर जाकर तुम लोग इसकी परवरिश करो। तुम्हारी बहन मृत्यु से पहले ये बात मुझे बता चुकी है, लेकिन मैं तुम्हारी बहन को, इस बच्चे को, इसके माता पिता के पास पहुंचाने का वचन दे चुका हूँ। तुम मान और सिरा लो। हम काली नदी के पास पहुंच गए। यहाँ से मैं बेड़े द्वारा पर्वतगढ़ जाना है। उस बेड़े को मैंने नदी की ऊंची ऊंची खरपतवार के बीच वहां छुपाया था। देखते हैं वह अभी भी वहां है या नहीं, या स्त्रिया के दुष्ट पुजारी उसे नष्ट कर गए हैं। कुछ ही देर में सेरा एडविन के बताए स्थान से लट्ठों का बेड़ा खींचकर खुले में ले आया। क्या तुम इस बेड़े पर स्थायी रूप से रहते थे? हाँ, यूं ही समझ लो। जाओ तूफान, मैं जल्दी वापस लौटूंगा। और फिर वह भी इस बेड़े पर सवार हो गया। कुछ देर बाद बेड़ा नदी की लहरों पर तैरता आगे बढ़ रहा था। फिर न जाने कब नींद ने उन्हें आ घेरा और वे तीनों ही सो गए। अचानक नदी के जल से विचित्र प्रकार की कुछ सुंडे बाहर निकली और आई। शेरा चौंककर तुरंत उठने को हुआ, लेकिन उफ, हे ईश्वर, ये तो मुझे जल की ओर खींचे ले रही है। किसी तरह तलवार निकालूं। अंततः वह अपने प्रयास में सफल हुआ। अब निपटता हूं तुझसे। ओ, खच खचाक। आजाद होते ही वह उस सुंड पर झपटा जो बच्चे को जल की ओर खींच रही थी। रो मत गुड्डे, मैं भी आया। ओ, शेरा के अगले बारों ने एडमिन को भी सुंडों के घेरे से मुक्ति दिला दी। खचाक बड़ो। यह सब उसी मायाविनी का चमत्कार था। लगता है उसे बच्चे के बच निकलने की खबर मिल गई है। अब वह हर संभव उपाय से इसे हमसे छीनने का प्रयत्न करेगी और मैं उसके इस इरादे को कामयाब नहीं होने दूंगा। और फिर शेरा डार्ड द्वारा बेड़े की गति तेज करने लगा, लेकिन वो डांड तो काम ही नहीं कर रहा। ऊपर से भाव की गति और तेज होती जा रही है। हे ईश्वर, अब क्या होगा? जमकर बैठे रहो एडविन, मैं कोशिश करता हूं कि बेड़े को सही सलामत इन चट्टानों से बाहर निकाल ले जाऊं। तभी उनका बेड़ा चट्टानों के नजदीक पहुंचा ही था कि ये कैसी आवाज एडविन? सुन, पता नहीं शेरा, लेकिन कुछ और आगे जाने पर स्थिति स्पष्ट हो गई। हे भगवान, इतनी ऊंची पानी की लहर! एडविन, देखो तो सामने की ओर। आखिर हम फंसी गए स्त्रिया के जाल में। अब हमारा बचना मुश्किल है शेरा। हिम्मत मत हारो और बच्चे को कसकर पकड़े रहो। मैं कुछ करता हूं। लेकिन शेरा कुछ कर पाता उससे पहले ही ओह ऊआ आई भड़ाक। शेरा और एडविन तुरंत ही होश खो बैठे, जबकि ऊपर यह बालक मान स्त्री का शिकार है। तुरंत ही इसे लहरों से उठाओ। ऊआ ऊआ। कुछ देर के बाद जब शेरा को होश आया, उफ, किस्मत ही अच्छी थी जो बच गए। लेकिन बच्चा कहाँ है? फिरकनी की भांति उसकी निगाह चार और घूम गई। वो बच्चा तो कहीं नजर नहीं आ रहा। क्या वह नदी में डूबकर मर गया? यह नहीं हो सकता शेरा। जो स्त्रिया का शिकार होता है, मौत उसे छू भी नहीं सकती। यानी वह बच्चा अब स्त्रिया के पास पहुंच चुका है। हाँ, वो तब तो स्त्री अब तक बच्चे की हत्या भी कर चुकी होगी। नहीं, अब ऐसा नहीं हुआ होगा, क्योंकि वह बच्चों की बलि रात को ही देती है। अचानक शेरा गुर्रा उठा। स्त्रिया के जीवन की मैं आज की रात मैं कभी नहीं आने दूंगा और उसका नाश करके बच्चे को वापस ले आऊंगा। तुम जानते हो स्त्रिया कहाँ रहती है? हाँ, उसका निवास काले पहाड़ की खाइयों में है, जो बेहद खतरनाक जगह है। शेरा, तेरी मौत बनकर आ रहा है स्त्रिया। उधर, शेरा, तेरी मौत बनकर आ रहा है स्त्रिया। हा हा हा। शेरा, स्त्रिया की मौत। हा। वह शायद नहीं जानता कि मौत का दूसरा नाम स्त्रिया है। वो जो रास्ते स्त्रिया तक पहुंचते हैं, उन पर स्वयं मौत भी आगे बढ़ने से थर्राती है। उधर मौत के रास्ते पर आगे बढ़ते शेरा और एडविन, स्त्रिया इन गहरी घाटियों में ही कहीं रहती है। हमें नीचे उतरना होगा। चलो संभल कर एडविन, यहां से फिसल कर गिरने का मतलब है मौत। अचानक गड़गड़, उफ, ओ गॉड, उफ, अगर हम उन चट्टानों की चपेट में आ जाते तो वह चट्टाने ऊपर से आई है।
शेरा ने भी फौरन ऊपर देखा और बुरी तरह कांप उठा। हे भगवान, ओ ये हम पर चट्टाने फेंक रहे हैं शेरा, दीवार से चिपक जाओ। गड़ 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 उफ, इनसे मुकाबला करना होगा वरना वरना ये हमें मार डालेंगे। धड़ाक, अगले पल आह खच, शेरा के चाकू से घायल राक्षस अपना संतुलन न संभाल सका और आई आह। अगले पल गड़ गड़ अचानक फड़ाक, उफ लगता ये आज हमें मारकर ही छोड़ेंगे। आग उगलने वाला पक्षी क्या आह क्या, बचो एडविन, दो साधारण मनुष्यों पर काली शक्तियों का दो तरफा हमला क्या, इस छोटी सी जगह पर हम इस दो तरफा हमले से कब तक बचेंगे। तभी पक्षी नीचे आ रहा, एडविन तुम मुझे अपना हाथ दो। और जैसे ही पक्षी नीचे आया, ओ भैया तुमने क्या किया शेरा, अब हम कतई नहीं बचेंगे क्रिया, अपनी मौत तो वैसे भी थी, शायद इसी तरह बच सके। क्रिया कुछ करो शेरा, तुम पहले मेरी पीठ को पकड़ो, मेरा हाथ आजाद हो जाने पर ही मैं कुछ कर सकूंगा। फौरन ही अगले पल अब ठीक है, खचाक कुछ ही पलों बाद खचाक क्रिया, उफ इतनी ऊंचाई से गिरकर न जाने हमारा क्या हाल होगा। आई भड़ाक, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी हम जिंदा है विश्वास नहीं होता, किस्मत ने हमारा साथ दिया एडविन, आओ अब आगे बढ़े, रात होने में अभी कुछ ही देर बाकी रही है। इधर स्त्रिया, ये तुच्छ मनुष्य मेरे दूतों से बचकर अभी भी मेरे साम्राज्य की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अब ज्यादा देर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उवा खैर उन्हें भूलकर अब मुझे अपनी बलि की तैयारी करनी चाहिए। इधर उस नदी को सावधान से पार करना होगा शेरा, या जान का भी खतरा हो सकता है। छपाक, दोनों तैरते हुए किनारे की ओर बढ़ने लगे, लेकिन आने वाले खतरे से अनजान थे। तभी शेरा बचाओ, ओह एक पल भी नहीं गवाया शेरा ने, खचाक किनारे की तरफ भागो एडविन, जल्दी खच, जल्दी। मगरमच्छों के लहू से नदी का पानी लाल होता चला गया। वाह कितनी वीरता से मुकाबला किया है तुमने, इस बात को छोड़ो दोस्त और आगे बढ़ो, रात गिरने जा रही है, फिर जल्दी ही हम स्त्रिया की गुफा के पास पहुंच चुके हैं शेरा, कहीं स्त्रिया अपने प्रयास में सफल न हो गई हो। उधर गुफा के अंदर उन्हें रोके मान स्त्रिया, वे दोनों अंदर घुसे जा रहे हैं, बलि का समय हो रहा है, मैं यज्ञ वेदी से नहीं जा सकती, लेकिन वे ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकेंगे, उन्हें रोकेगा अति भयंकर, हा हा कड़ा। अगले पल ब्राम, इधर स्त्रिया इस गुफा में कहां होगी, कुछ कहा नहीं जा सकता, चलते चलो गड़। और फिर गुफा का मुंह मुड़ते एडविन चीख पड़ा, हर शेरा से बचना मुश्किल है, भागो हर, नहीं मैं कायरों की भांति नहीं भागूंगा, मरते दम तक इसका मुकाबला करूंगा। उसी क्षण बचो एडविन, भड़ाक हर, शेरा मैं कहता हूं भाग चलो, नहीं, वो इसकी आग से गुफा के पत्थर बुरी तरह टूटकर गिर रहे हैं, खर मैं इसी गुफा को इसकी कब्र बना दूंगा, वह अब मेरी तरफ आकर्षित हो गया है, मुझे देर नहीं करनी चाहिए। चट्टान की दीवार पर चढ़कर शेरा क्या करना चाहता है, और लेकिन आग शेरा के शरीर से टकरा पाती उससे पहले, धड़ाक ओह बुड़ाम धड़ाम, पूरी गुफा ढहने जा रही है एडविन, भागो। उफ हमें समाप्त करने के लिए कैसे कैसे हथकंडे अपना रही है स्त्रिया। अभी वे कुछ आगे बढ़े ही थे कि जय महाकाल, यह तो स्त्रिया की आवाज है शेरा, जल्दी उवा उवा अपनी शिष्या की भेंट स्वीकार करो महाकाल। टन, तेरा यह सपना मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा स्त्रिया, वो तुम अब भी जिंदा बच गए, हाँ तुझे मारने के लिए जिंदा बच गए। उवा उवा
मूर्ख मान स्त्री को मारने की इच्छा लेकर आया तू, हा, इस शस्त्र से तू नहीं बच सकेगा, ये अपने लक्ष्य को समाप्त किए बिना वापस नहीं आता, हा, ओह। फिर इससे पहले कि वह शस्त्र अस्त्र शेरा तक पहुंचवा था, आ खच, ओह, इसके दूसरे साथी ने अपनी जान देकर अस्त्र को बेकार कर दिया। उसी पल शेरा का शरीर हवा में लहराया और उआ उआ आह, स्त्री की आंखों के से क्रोध की चिंगारियां उबल पड़ी। तूने महाकाल की बलि को छीना है, अब तू नहीं बच सकेगा। अगले क्षण, ओह, अब तुम मौत से नहीं बच सकेगा शेरा। तलवार हाथ में थे आते ही शेरा ने बिजली की फुर्ती से बच्चे को एक तरफ लिटाया और स्त्री पर टूट पड़ा, खचा खच, ओह आह, लेकिन जल्दी, ओह कड़ा, उफ, ये क्या हो गया, महाकाल की प्रतिमा टूट गई, अब कुछ ही पलों में मेरी सारी तांत्रिक शक्तियां समाप्त हो जाएंगी, मुझे यहां से भागना चाहिए। दूसरे क्षण, हा हा, शेरा, मुझे इसलिए भागना पड़ रहा क्योंकि महाकाल की प्रतिमा नष्ट होने के साथ ही मेरी सारी मांत्रिक शक्तियां नष्ट हो चुकी हैं, लेकिन मैं फिर तांत्रिक शक्तियों को दोबारा अर्जित करूंगी, फिर वापस लौटकर पूरे विश्व को अपना अनुयायी बनाऊंगी, तब तुझे कोई नहीं रोक सकेगा, तब मुझे कोई नहीं रोक सकेगा, तुम भी नहीं, हा हा हा। शेरा ने तुरंत ही बच्चे को उठा लिया। तुम मानो एडविन, तुमने अपनी जान देकर यह साबित कर दिखाया कि तुम्हारी वफादारी का दुनिया में कोई सानी नहीं है। शेरा इस बच्चे को पर्वतगढ़ पहुंचाकर तुम्हारे अधूरे काम को पूरा करेगा। फिर शेरा वापस लौट पड़ा। जल्दी, मैं तुम्हारे इस आभार का से कभी ऋण मुक्त नहीं हो सकता मित्र, तुमने मुझे और मेरे राज्य के निवासियों को अपने एहसान से लाद दिया है। एहसान मेरा नहीं, एडविन और उसकी बहन का, मानिए महाराज, जिन्होंने अपनी जान देकर आपकी संतान को जीवित रखा, वो साथ ही उन्हें समाप्त कीजिए जो स्त्रिया में श्रद्धा रखते हैं, वरना वे आपको और आपके राज्य को समाप्त कर देंगे। हम आज ऐसे व्यक्तियों की खोज करेंगे, उन्हें समाप्त करने का प्रबंध करते हैं। अब मैं चलता हूँ महाराज, मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। धन दौलत व अमूल्य वस्तुएं जो तुम चाहो अपने साथ ले जा सकते हो, मैं एक उन्मुक्त प्राणी हूँ महाराज, जंगल ही मेरा जीवन है और जंगलों में मुझे धन दौलत की आवश्यकता नहीं पड़ती, कभी जरूरत पड़ी तो आपके पास अवश्य आऊंगा। फिर शेरा वापस चल पड़ा अपने जंगल की ओर। बहुत दिन हो गए अपने दोस्तों से मिले हुए, किसी के लिए निस्वार्थ अपने प्राणों की बाजी लगा देना किसी साधारण इंसान का नहीं, शेरा जैसे फरिश्ते का ही काम हो सकता है। समाप्त। तो दोस्तों, कम सी पे समाप्त होती है, और अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।